बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की आदमपुर में, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊँगा। मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया, चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाली दे रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा गाली नहीं थी मैम, मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं राहुल सैनी HR न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों कल से ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा सोशल मीडिया पर। ये भाजपा की नेत्री सोनाली फोगाट हैं जो कि टिकटॉक स्टार भी हैं, उन्होंने एक मार्केट कमेटी के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिए। आइए जानते हैं इसकी क्या वजह है, और सुल्तान सिंह मार्केट कमेटी के जो कर्मचारी थे उनका भी बयान खुलकर सामने आया। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या था। ये 3 वीडियो काफ़ी वायरल हो रहे हैं, कल सुल्तान सिंह का भी बयान आया है, देखना इस वीडियो के माध्यम से। हाँ जी क्या है सर, मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने, इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैं शेड बनाने के नोट कर लिए, मैं सेक्रेटरी मार्केट रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ, जो भी काम का मेरा सारा काम सर, मैं शेड बनाने के लिए काम मेरे शेड बढ़ जाएगा जी, जो भी मैं। इसने गलत भाषा इस्तेमाल की नहीं जी, और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात की है। मैंने बात मैं जी, मैं तो यहाँ बैठ के आपने कहा दफ्तर में रिपोर्ट लिखो, नहीं मैं काम कर रही हूँ बाहर निकल के। सर क्या समझ रखा आपने मुझे, मैं जी पता है आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। चाली खड़े उसने पढ़ना कैसे कही आपने ये बात, किसी को मैं कुछ एक शब्द नहीं निकलता मेरे मुंह से, मारना तो दूर की बात है, हमारे घर की सामान है। मैं तो सर आपके आपके घर में माँ बहनी है, आपके घर में मैं मिला नहीं, आप बोले जा रहे मैडम भी है, हमारी रिश्तेदार भी है, मैं तो अभी आपके घर में आपूर्ति कर काम नोट कर रहा हूँ, जो भी काम किए मैं नोट कर रहा हूँ। क्या सोच के आपने ये शब्द बोले, जवाब आपने जो काम कहा वो नोट कर, आपके कहीं माफी है क्या? मैंने कहा जी मैंने काम जो भी काम किया वो नोट कर दिया, छोटो काम तो बाद में हो जाएंगे। एक औरत को बदला मजाक अपनी बात बोलना किसने सिखाया आपको? मैं बोला ही नहीं, एक शब्द भी नहीं बोला जी मैं। मैं बहन जी आज उठ रहा हूँ, जो भी शेड कह रहे हैं शेड बनाएंगे, शेड की बात ही नहीं है भाई, आप शेड बनाओ सरकारी खाते से बनेगा वो तो बनेगा, आपने जो भी कहा जी पत्र में पढ़े लिखे ना, इतना नॉलेज कर्मचारी अधिकारी हो, मान सम्मान दो, एक बार थाना इंचार्ज को बुला, ये आपके चलते माले घोटाला सारा सिस्टम माले, मैंने कोई घोटाला किया नहीं सर किसी का, तो ये सर ये जीत बोल नहीं पा सके सर, बता पहले तेरी बोल नहीं पा सर, मेरे शर्माई थोड़ी नहीं आप लोग जाओ सारे मत जाऊंगे। है जो आज आपके साथ घटना घटी है सर, सुबह 10:03 पर श्री सुरेश जी हमारे ऑक्शन रिकॉर्ड रहे, उनका फोन आया कि सोनाली मैडम जी आई हुई हैं जो आदमपुर से चुनाव लड़ा है, अपने ऑफिस में आए किसी काम के लिए। तो मैंने कहा मैं सब्जी मंडी से आया, मैं 3 मिनट में आ जाऊंगा, 4 मिनट में आप मेरे को ले जाओ स्कूटी पे। मैं सुरेश जी के साथ सीधा ऑफिस आया, यहाँ अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी श्री भारत जी और जयपाल जी मंडी सुपरवाइजर उनको परफॉर्मेंट के बारे में सारी बातें बताने लग रहे थे। मैंने उनको सुरेश जी को कहा था चाय पानी मंगवा लेना मैडम जी के लिए, मैडम जी ने चाय पानी पी ली, फिर हमने आधा पौना घंटा बैठे सारी परफॉर्मेंट के बारे में मैडम को खुलकर बताया कि इसी तरह परफॉर्मेंट हो रही है, ये दिक्कत है, ये सही हो रहा है सारा। तो हमने ये बताया कि सब्जी मंडियों में कैसे काम किया, पूरी विस्तार से बात हुई, पौना घंटा 2 बार चाय पी, बहुत ही बढ़िया वातावरण रहा सर। तो उन्होंने कहा कि आदमपुर में चने की खरीद क्यों नहीं कर रहे, मैं क्या आदमपुर में चने की खरीद एजेंसी मना कर रही है, हैफड़ ने बाड़समंद में
बाड़सबंद सब यार्ड में खरीद क्यों नहीं कर रहे चने की? बाड़सबंद में हैफर्ड ने खरीद करनी है, मैंने खरीद नहीं करनी, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है मैम। तो उन्होंने क्यों रिजेक्ट कर दी हैफर्ड ने? मैंने कहा कि शेड नहीं है, उन्होंने कहा कि शेड की वजह से वहाँ चना भीग जाएगा, इसलिए हम खरीद नहीं करेंगे, एजेंसी ने लिख के दे दिया है, एजेंसी का काम है जी, हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके है। बोले बाड़सबंद में और भी समस्याएं हैं, आप चलोगे मंडी में? मैं कहीं मैं चल पड़ता हूँ। मैं जैसे ही यहाँ गेट के बाहर सर सामने गया तो 6-7 लड़के और खड़े थे, यंग से लड़के 20-21 साल के। तो मैंने सोचा नॉर्मली इनको मिलने आए होंगे, कोई मेरे पेट पाप नहीं था कुछ भी, ना मेरे मन में बहम था कोई। मैं अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब की गाड़ी में, अपने मंडी सुपरवाइजर साहब भी, हम सारे यहाँ से निकल लिए, मैडम ही उनके पास खड़ी रही। तो हमने आगे जाकर फ़ोन किया, मैम जी हम चल पड़े हैं। बोले कोई बात नहीं चलो, इन्होंने फ़ोन किया उनके साथ दो वकील साहब थे। हम वहाँ पहुँचे तो मैडम जी 25-30 मिनट बाद हमारे ऑफिस में वहाँ पहुँचते हैं बाड़सबंद। हम बाड़सबंद में एक आड़ती के पास बैठ गए, वहाँ मैडम जी आ गई तो मैडम के साथ 4 गाड़ियाँ और थी जी, वहाँ 5वीं गाड़ी मैडम की थी, 4 गाड़ियाँ और थी। रास्ते में इन्होंने 25 मिनट लेट पहुँचे तो उन्होंने किसी को बुलाया होगा, हमें नहीं पता किसको बुलाया किसको नहीं, 5 गाड़ियाँ वहाँ तक हो गई थी। तो हमने मैडम ने कहा कि खरीद के बारे में बात की, तो सारी खरीद के बारे में बताया, सब कुछ बताया। मैडम ने कहा कि शेड बनवाओ, मैं कहती जेई से बात करता हूँ, मैं भी बुला लेता हूँ। जेई को मैंने फ़ोन किया तो छुट्टी थी, जेई साहब नहीं थे। मैंने कहा सब कुछ मैं नोट कर लेता हूँ, जयपाल जी ने सारी समस्याएं नोट कर ली, 2 यूनियन भी बनाने हैं। वो बोले यहाँ फर्श टूटा हुआ है। मैं कहा मैम जी 1972 के बाद मंडी पहली बार टेम्परेरी मंडी चालू की है ये, और शेड बनवाने के लिए हम लिख देंगे सरकार को, कोई दिक्कत नहीं, हमने सारी बातें ले ली। तो मैडम जी एक बोले एक तरफ आओ आप, उनके साथ 2 आदमी और थे, बोले शेड की तरफ आओ, जहाँ 10-15 कदम हम गए तो वो बोले सब पीछे हट जाओ और अकेले बात करेंगे मैडम इनसे। तो मैंने फर्श के बारे में बताने लगा, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ मुंह करके बात करो। मैंने मैडम की तरफ जैसे देखा, मैम जी इसी तरह फर्श बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को जानते हो, मैं कह आदमपुर से चुनाव लड़ा है, मेरे को बताया था आपने, मैंने सारी बातें नोट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है जी, सारे काम करवा देंगे। बोले आपने चुनाव में मेरी खिलाफत क्यों की आदमपुर में? मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं प्रेस मीडिया के सामने कह रहा हूँ, आदमपुर में मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, मैं आदमपुर के विधानसभा चुनाव में कैसे जाऊँगा? मेरे को ये भी, मैंने कहा मैडम जी आपको किसी ने मिसगाइड किया, चुनाव के बाद इतने दिनों बाद आप ये ब्लेम लगा रहे हो। तो उन्होंने कहा थप्पड़ मारा मेरे को कि गाली दे रहे हो आप मेरे को। मैंने कहा गाली नहीं थी मैम, मैं थप्पड़ लगते ही चारों तरफ से 7-8 लड़कों ने मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, बेशुमार। मैं बिल्कुल निडर होकर खड़ा था, मैं गिर गया अनफान में। फिर मैं वहाँ से भागा, एकदम उसी दुकान में भागा, दुकानदार को कहा यार बचाओ, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दुकानदार ने भी कहा इसको कि ना ही कहा मैडम ये गलत कर रहे हो आप, कि क्या हो गया ये क्या हो रहा है। तो सर वहाँ मैडम जी खड़े हो गए, गुंडे वो चारों तरफ दूर खड़े हो गए, और मैडम के साथ 2 आदमी थे, उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दिया, चप्पल से मेरे को मारना शुरू कर दिया अकेले। बोली मेरे को गाड़ी क्यों दी? मैं क्या मैडम जी मैं उस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि मैंने कोई गाड़ी नहीं दी मैम जी, मैंने आपके सारे काम थे जो नोट कर लिए हैं सारे के सारे। और फिर ये वो इधर थाने की तरफ आ गए, पुलिस को फोन करते, पुलिस वहाँ पहुँच गई, पुलिस ने मेरे को छुटवा लिया, मेरे को जिप्सी में बिठाया, मैं थाने की तरफ आ गया। थाने के बाहर मैडम मेरे को बाहर ले गई, मैडम ने यदि मैंने कोई गलत काम किया था तो थाने में FIR दर्ज करवाती। मैडम मेरे को बाहर ले जाके उन्हीं गुंडों के द्वारा एकदम बोलिए आप लिख के दो कि माफीनामा लिखो, तो उन गुंडे वाले तो गोली मारेंगे। मेरा पसीना आया जी एकदम, मैंने वहाँ एकदम लिख के दे दिया कि मैं लिखवाया कि 2 बार अपने आप काटवाया, तो लिखवाया बाढ़ संबंध मंडी में मेरे मैंने जो आज बदतमीजी की उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने लिख कर दे दिया, मैं कहा ठीक है जी अब तो छोड़ दो मेरे को। मैंने सोचा अंदर थाने में जाकर घुस जाऊँ किसी तरह, मैं थाने से बाहर बुला लिया मेरे को। फिर मैडम बोली मैं तेरे को कुछ नहीं कहूँगी, ये बात किसी को बतानी नहीं। फिर बोली अभी तूने हाई कोर्ट में स्टे ले रखा ना, अपना ट्रांसफर का स्टे वापस ले ले यार, तू 2 दफा हो जाए यहाँ से। मैं कहा ठीक है जी, मैं घबरा गया। फिर उन्होंने कहा कि दोबारा 5 मिनट बाद फिर वो वापस बुलाया मेरे को दोबारा वहीं, और ये कहा कि आपके स्टाफ वाले जो आदमी थे उनके और साइन कराओ इस पे जो आपने लिख दिया है। मेरे साइन करवाए, फिर मैडम के सामने मैं खड़ा होगा। उन्होंने एक आदमी जो उनके साथ गंजा सा था, जो वकील जो सुबह यहाँ भी था, उसने कहा कि वीडियो बनाता हूँ, मैडम के सामने हाथ जोड़ के कहो माफ़ी मांगे। भाई मैं बंदूक की नौ का जब सब कुछ करता हूँ, जब एक आदमी फंस रहा हूँ तो मैंने हाथ जोड़ के कहा माफ़ी मांगता हूँ मैं। उसके बाद मैं बचा के अपना बचाव करके थाने में चला गया। थाने वालों ने मेरे को रोटी खिलाई, थाने वालों ने मेरे को कहा हम आपके साथ हैं, हमारे को सच्चाई पता लगी है, आप सही हो बिल्कुल, मंडी से हमने पता कर लिया है। आम आदमी सारे गांव के आदमी वहाँ से आने शुरू हो गए बाड़सबंद के कि हम आपके साथ हैं, मगर अब सरकार के दबाव में, सोनाली मैडम के दबाव में आके नहीं खुलने के नहीं हंसते, हम आपके साथ हैं। सारे आदमी वहाँ से, सारे कर्मचारी यूनियन, सारे प्रेस के साथी हुए दिल्ली से, सब जगह से फोन आए कि हम आपके साथ हैं, आप घबराओ मत। मेरे को यह था कि जान में मारने की तुम किधर गई थी, वो मेरे को रास्ते में मरवा दे, तो मैं थाने से निकला नहीं अब तक, जब तक अपने सारे साथी वहाँ पहुँच गए तो मैं उनके साथ आया हूँ मैं। तो आपने पुलिस को शिकायत दी क्या कहा? मैंने पुलिस में सारी यही लिखित में जो आपको बताया, सारी यही लिखित में पुलिस को शिकायत दे दी है, और पुलिस डिपार्टमेंट ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, SP साहब ने वादा किया कि कार्रवाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आप घबराओ मत, आप ऑफिस में जाओ। मैं कहते मेरे को मार ना दें, नूले आप टेंशन मत लो कोई भी किसी किस्म की। जब वीडियो में चप्पल मारने का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें पुलिस के अधिकारी भी सामने खड़ी दिखाई दे रहे थे, उसी वक्त आए थे वो। जब दोबारा पहले तो मेरे गुंडों ने वहां, मैं कहता रहा हूं शेड की जगह कुटा था, जब मैं वहां से बुरी तरह भाग के आगे मेरे को उल्टी भी लगी है और मैं बैठा भी हूं कुर्सी में, तब मैडम ने चप्पल मार के अपने आदमियों से वीडियो बनानी शुरू की, और वो बार बार कहती रही मेरे को। पुलिस उस वक्त हो गया, पुलिस ने छुटवा दिया था मेरे को। पुलिस ने ये भी कहा है, पुलिस डिपार्टमेंट के साथियों, कि मैडम आप गलत कर रहे हैं, तो यदि आपको कोई समस्या तो आप लिख कर दें थाने में। पुलिस ने ये भी कहा है जी, पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत बढ़िया रोल अदा किया। पुलिस ने कहा कि तो मैडम आप मार क्यों रहे हैं, और यदि आपको इनसे कोई गलती है तो आप थाने में एप्लीकेशन दें। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस से? मैं न्याय चाहता हूँ जी।
कि मैं कोई भी अधिकारी कैसे काम करेगा, मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ, आप प्रेस के मीडिया सारे साथी देख रहे हैं मेरे को हर रोज कि मैं लगातार कितना काम कर रहा हूँ, मैं थाने में रोटी खाई आज।